आपने कहावत सुनी है, एक अनार और 100 बीमार। मतलब कि अनार कब दिया जाता है, जब बीमार होता है आदमी। ऐसा नहीं है, आप स्वस्थ आदमी भी अनार खा सकता है। अनार के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़, उसके अलावा आपके डाइजेशन को भी काफ़ी अच्छा रखता है। तो भाई अनार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। लेकिन अनार को कैसे पील करें, दुकानों के अंदर या फिर शेफ लोग कैसे फटाफट से सारे अनार छील देते हैं, वो वाला तरीका आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको कह सकते हैं निंजा तकनीक। तो आज अनार कैसे पील करें ये देखेंगे हम फास्ट तरीके से। अनार को छीलने का सही तरीका क्या है ये आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनार को कैसे चूज किया जाता है कि सबसे परफेक्ट अनार निकले, कच्चा ना हो और अंदर से सही दाने निकले। तो सबसे पहले अनार लीजिए, ये जो इसकी स्किन है रेड डार्क होनी चाहिए, मतलब डार्क कलर की होनी चाहिए, तो उसके पके होने की निशानी है। दूसरा, हल्का सा फर्म दबाइए इसको, हल्का। हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, हल्का सा दबना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी लैदर पे आपका हाथ चल रहा हो। दूसरी बात, अनार कभी भी गोल नहीं होते हैं, मतलब पके हुए अनार गोल नहीं होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा शेप ले रखा है अलग से, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। ये क्यों हो रखा है, क्योंकि इसके जो अंदर के बीज हैं वो फूल गए हैं और उसकी वजह से ही इसका शेप बिगड़ गया है। जिसके टेढ़े मेढ़े हों उसको ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनार लिया है, बहुत बड़े बड़े भी अनार आते हैं, छोटे छोटे से भी अनार आते हैं, तो मीडियम साइज़ के अनार को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ से पेड़ पे लगता है, तो यहाँ से नहीं काटेंगे, हमको काटना है यहाँ से, ये देखिए। और ये देखिए हल्का सा फटा हुआ भी है, क्योंकि इसके जो बीज हैं वो रस से भरे हुए हैं। अब काटने का तरीका आपको बताता हूँ, जैसे जूस वाले काटते हैं या फिर फ्रूट वाले काटते हैं। ये देखिए हल्का सा कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, ये और ये, इसको हल्का सा घुमाना ऐसे करके और प्यार से निकल जाएगा, बड़े ही प्यार से निकल गया। और पूरा मैंने आपको कहा था ना बिल्कुल लाल होगा, पूरा लाल है, अच्छी तरह से पके हुए हैं, रस से भरे हुए हैं। अब एक अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पर है, और एक लाइन यहाँ पर है, और एक लाइन यहाँ पर है। जहाँ जहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही हैं, ये बीच बीच में पार्टिकल दिख रहे हैं ना, जिससे ये अलग अलग हो रहे हैं, वहीं पर कट लगाना है, ऐसे लगाना है, कट नीचे तक लगाना है, पूरा गहरा मत काट देना, इतना काटना है कि बस इसका जो छिलका कटे, बस एक लाइन यहाँ दिख रही है तो इसी की सीध में ये गया, सिंपल ये गया, ये देखो। अब आपको दिखाता हूँ जादू कैसे खुलेगा, ये देखिए हल्का सा प्रेस करना है, हल्का सा, ये पूरा अनार खुल गया बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। और ये बीचों बीच में ये नहीं, ये ऐसे कैसे निकाला जाता है हाथ से, है ना कितना सिंपल। आपको बच्चों को टिफ़िन में देना है तो कैसे, आप ऐसे भी दे सकते हो पैक करके। और अगर आपको पूरा निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा करना है, ये नाइफ लेना है, या आप स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी स्पून का इस्तेमाल कर सकते हो, हल्के हल्के हाथों से मारना है, आराम से निकल जाएगा पूरा। तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला ले लिया है और हल्के हल्के हाथों से मार रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे अनार निकल गए हैं, ये देखिए सारा खाली हो गया है, बस एक दो बच रहे होंगे, देखो वो कहाँ जा रहा है, ये देखें एक दो पीस हैं, उनको आप ऐसे निकाल सकते हो, पूरा खाली हो गया। और इसको करने में मुझको मुश्किल से 45 सेकंड लगे होंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगा। और ये जो है इसको आप हाथों से इस तरह से निकाल सकते हो। हम होटल्स में जूस निकालते हैं, हम ऐसे करते हैं, हमारे पास वक्त कम होता है, हमको काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो फास्ट टेक्निक आपको मैंने आज बता दी है। तो यहाँ पे अनार छील दिया है, उसके दाने निकाल दिए मैंने, कोई भी आप डब्बा लीजिए इस तरह से जिसको आप बंद कर सको, और कम से कम हाथ लगाना है क्योंकि टूट जाते हैं, रस से भरे हुए हैं ना। और ये ऐसे करके पैक करके आप रेफ्रिजरेटर में, मतलब डीप में नहीं डालना है, रेफ्रिजरेटर में डालना है, आराम से 3 से 4 दिन कुछ भी नहीं होगा इनको। हाँ, ये पैक होनी चाहिए चारों तरफ से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप डीप में रखना चाहते हो तो डीप भी रख सकते हो आप 6 महीने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमको रखना नहीं है, तो आप इस तरह से आप रख सकते हो।